मुरादाबाद में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के अंतर्गत क्षय रोग की समुचित जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की एक संवेदीकरण का आयोजन जिला क्षय रोग केंद्र टाउन हॉल मुरादाबाद में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की एक संवेदीकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर MC गर्ग मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद द्वारा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर NK कुरचिया जिला क्षय रोग अधिकारी मुरादाबाद ने बताया कि राज्य स्तर से जनपद का वर्ष 2021 में कुल क्षय रोगियों का लक्ष्य 13,000 निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष कुल 10,890 क्षय रोगियों की खोज की गई, जो कि लक्ष्य का 84% है, जबकि राज्य की औसत उपलब्धि 75% है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने आगे बताया कि TB के सभी रोगियों की जियो टैगिंग की जा रही है, जिससे कि रोगियों द्वारा बीच में उपचार छोड़े जाने की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। सभी रोगियों के HIV एवं शुगर की जांच सुनिश्चित की जाती है, ताकि उपचार को 100% सफल बनाया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने मीडिया को बताया कि क्षय रोग एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। एक संक्रमित क्षय रोगी एक वर्ष में लगभग 10 से 15 स्वस्थ व्यक्तियों को TB से संक्रमित कर देता है। रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा क्षय रोगियों को प्रतिमाह 500 रुपए निक्षय पोषण योजना हेतु प्रदान किए जाते हैं, जिसमें वर्ष 2021 के कुल 5,377 क्षय रोगियों को 94,09,000 रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार निजी चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति क्षय रोगी को अधिसूचित करने हेतु 500 रुपए की धनराशि प्रति क्षय रोगी की दर से तथा मरीज के क्योर कंप्लीट होने पर 500 रुपए प्रति क्षय रोगी की दर से प्रदान किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 में 40 निजी चिकित्सकों को क्षय रोगियों को अधिसूचित करने हेतु 20,96,000 रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव उप जिला क्षय रोग अधिकारी मुरादाबाद द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत इस समय दुनिया में क्षय रोगियों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। विश्व के 25% क्षय रोगी भारत में पाए जाते हैं तथा प्रत्येक 2 मिनट में एक TB रोगी की मृत्यु हो रही है। अगर समय से क्षय रोगियों का पूर्ण इलाज किया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इस अवसर पर शहर नायब इमाम मुफ्ती सैयद फहद ने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय को TB के प्रति जागरूक करने के लिए मस्जिद में लोगों को बताते हैं कि 2 हफ्ते से अधिक की खांसी होने पर जांच अवश्य कराएं, ताकि TB को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान कर समय से उपचार किया जा सके। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं का आह्वान किया कि वे TB से संबंधित जानकारी अवश्य दें। सिख समाज के प्रतिनिधि सरदार गुरविंदर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वह जनपद के सभी गुरुद्वारों में TB संबंधी जानकारी और उसके उपचार के बारे में जनता को बताया जाए। पादरी डैनियल मसीह और पादरी पॉल सारस्वत ने भरोसा दिलाया कि वे प्रत्येक रविवार की प्रार्थना में TB के बारे में बताएंगे और लोगों को खांसते व छींकते समय मुंह पर साफ कपड़ा रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि TB के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। प्रसिद्ध कथावाचक धीशांत महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे अपने सभी आयोजनों में अपने अनुयायियों को बताएंगे कि वे मास्क का उपयोग करें और 2 हफ्ते से अधिक की खांसी होने, बलगम आने, बलगम के साथ खून आने, भूख कम लगने, वजन घटने और सोते समय पसीना आने जैसे लक्षण होने पर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में TB की जांच अवश्य कराएं। क्षय रोगी को हमेशा खांसते छींकते तथा बात करते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। मरीज किसी एक डिब्बे में मिट्टी डालकर उसमें ही थूके व उसे मिट्टी में दबा दे, ताकि इसका संक्रमण अन्य लोगों को संक्रमित ना करे। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार डॉक्टर उमर MH अकिल, DPC डॉक्टर मोहम्मद जावेद, DPPMC मनोज कुमार, DPTC अनुज शर्मा, नरेश राणा, अंकुश शर्मा, गजेंद्र सिंह, मनोज पाराशर, डॉक्टर जगवीर सिंह, अमित भटनागर तथा डॉक्टर रामकिशोर आदि उपस्थित रहे। एडवांस मशीनें उपलब्ध हैं जांच हेतु, महंगी से महंगी दवाई सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध हो रही है, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है और हर चीज निःशुल्क है, जाँचें भी निःशुल्क हैं और हर दवाई निःशुल्क है और उसकी हम देखभाल भी इस तरह करते हैं कि वो मरीज खाए दवाई, केवल हम दे के ही नहीं भूल जाते हैं। पूर्व में जब हम लोग पढ़ा करते थे तब दवाई देने के बाद हम लोग उसको घर पे खा रहा है नहीं खा रहा है इस पर उतना जोर नहीं था, उसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग घर और खानदान TB से ग्रसित हो गए और वो ऐसी TB से ग्रसित हो गए जो अब सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो सकती।